ये इरुडव का रिलेटिव वेलोसिटी पे एक क्वेश्चन है। दो पॉइंट है ए और बी, इनका इनिशियल सेपरेशन जो है एल है और इसका वेलोसिटी वी ए है, इसका वेलोसिटी वी बी है। स्पीड बोलता हूँ मैं, वेलोसिटी बोलना गलत हो जाएगा। इसका स्पीड वी बी है और इसका है वी ए। वी बी जो स्पीड है उसका डायरेक्शन भी सेम रहता है, मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है ऑल थ्रू, मीन्स बी का वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है। ए का जो है जो स्पीड है वी ए वो कॉन्स्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज होता है। ए हमेशा बी के डायरेक्शन में मूव करता है, जिधर बी है उसी को देखेगा। हमें पता लगाना है कितने टाइम में दोनों मीट करेंगे। सपोज यहाँ पे ये मीट करेंगे, ये फाइनल पोजीशन है जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं, मतलब बी भी यहाँ पे आ गया, ए भी यहाँ पे आ गया, दोनों पॉइंट यहाँ पे आ गए। लेकिन किसी टाइम पे सपोज आपका ये पॉइंट बी का लोकेशन जो है वो ये है, बी यहाँ पे है। अब ए सपोज यहाँ तक कहीं पहुँचा, आप देखो ए का जो है ट्रैजेक्टरी कर्व्ड आएगा। शुरू में तो दोनों की वेलोसिटी परपेंडिकुलर दी है, वी ए और वी बी जो है परपेंडिकुलर है टी इज इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि ए बी की तरफ देख के चलता है और दोनों ऐसे थे शुरू में। तो एक कर्व इसका ऐसे आएगा और ये सपोज ऐसे जा रहा है, किसी टाइम टी पे, स्मॉल टाइम टी पे बी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है। ए क्योंकि हमेशा बी की तरफ देखता है तो ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, ये वी ए है, और वी बी ऐसा रहेगा, वी बी तो कांस्टेंट चल रहा है। सपोज ये एंगल थीटा था यहाँ पे किसी टाइम टी पे, तो ये एंगल भी थीटा है। अब सपोज इन दोनों के बीच में इस टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो ए बी के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है, ए बी के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है वो एस है, और शुरू में जो एस था, एस एट टी इज इक्वल टू जीरो वो एल था, और एस एट टी इज इक्वल टू सपोज टाइम टी कैपिटल टी पे मीट कर रहे हैं वो जीरो हो जाएगा। दोनों एक ही जगह है, दोनों के बीच में जो एस है वो जीरो है, तो एस जो है एल से लेके जीरो तक चेंज हो रहा है, एस की वैल्यू इज डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग। तो डी एस अपॉन डी टी की जो वैल्यू आएगी, ये जो आएगी ये नेगेटिव होगी। तो डी एस अपॉन डी टी को हम किसी भी चीज़ से जब इक्वेट करेंगे और वो वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो कैलकुलस में इसमें यहाँ आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये डी एस अपॉन डी टी इट सेल्फ विल बी नेगेटिव, जो भी इक्वेशन आएगी उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन इक्वेट करके अगर उसको हम पॉजिटिव के टर्म्स में सामने अगर वैल्यू पॉजिटिव लिख रहे हैं तो आपको नेगेटिव लगाना है। और अगर हम डी एस अपॉन डी टी को किसी टर्म से इक्वेट करेंगे जिसकी वैल्यू ही नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इट सेल्फ नेगेटिव आएगा। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे वो काम आएगा। सपोज दो कोई सिंपल आप सिचुएशन लीजिए, ए और बी के दो पॉइंट्स हैं, एक वेलोसिटी ए से चल रहा है और एक वेलोसिटी बी से चल रहा है। दोनों पॉइंट का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो होगा वी ए माइनस वी बी, या वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए वो होगा वी बी माइनस वी ए। अब दोनों पॉइंट को अगर मीट करना है, दोनों पॉइंट तभी मीट करेंगे जब वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, नहीं तो मीट ही नहीं करेंगे अगर वी बी ग्रेटर देन वी ए है। सो वी ए हैज़ टू बी ग्रेटर देन वी बी। तो मैं अगर ये वाला कोई भी ले लीजिए आप, इसमें ये लेंगे या ये लेंगे दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। तो वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी विच इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है। अब वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वो होगा डी एस अपॉन डी टी, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख रहा हूँ। डी एस अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड जो होगा वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, ये है एस, दोनों के बीच में डिस्टेंस था, जब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो वो दोनों के बीच में जो है स्पीड देगा। मैंने ये स्पीड लिखा है, वेलोसिटी नहीं लिखा है, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है। अब मुझे मैग्नीट्यूड हटाना है, वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो पॉजिटिव है, वी ए माइनस वी बी तो पॉजिटिव है,
इक्वल टू, जब मैं डी एस अपॉन डी टी लिखूंगा तो यहाँ पे माइनस साइन लगाना ही है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है और इसकी वैल्यू नेगेटिव है डी एस अपॉन डी टी की, इसीलिए मैंने नेगेटिव साइन लगाया सो दैट ये पॉजिटिव आए। इसको आप उल्टा भी करके देख लीजिए, सेम रिजल्ट आएगा। सो वी ए माइनस वी बी इज माइनस डी एस अपॉन डी टी, इसलिए ये मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है। लॉजिक भी मैंने समझा दिया है। अब एक इक्वेशन तुम्हारा ये हो गया, इसको इक्वेशन वन लिख लेते हैं। वी ए माइनस वी बी कितना है? वी ए माइनस वी बी है अलॉन्ग ए बी, ये है अलॉन्ग ए बी, तो वी ए की वैल्यू थी, वी ए ही है अलॉन्ग ए बी। वी बी की वैल्यू अलॉन्ग ए बी कितनी है? वी बी कॉस थीटा। वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा, हमारा इक्वेशन आया माइनस डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा, या माइनस डी एस इज इक्वल टू वी ए डी टी का इंटीग्रल, ये भी इंटीग्रल, माइनस वी बी डी टी कॉस थीटा इंटीग्रल। जीरो से टी तक करना है, सपोज टी टाइम पे वो ये दोनों मीट कर रहे हैं। अब इसमें एक इक्वेशन और निकालनी है, दोनों मीट कर रहे हैं पार्टिकल, तो इसका मतलब सपोज यहाँ पे आके मीट किए, बी यहाँ पे आ गया और ए बी जो है बेचारा घूमता 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 ऐसे आ गया, ए बी यहाँ पे आ गया, तो ए का डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई सेम होगा जो बी का डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई है। बी का डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई तो सिंपल वी बी इंटू टाइम टी, क्योंकि ये तो इसका वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, चेंज ही नहीं हो रहा है डायरेक्शन। लेकिन ए का जो है डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई कैसे निकलेगा? ए का वेलोसिटी अलॉन्ग वाई किसी भी टाइम टी पे ये पोजीशन था वी ए, किसी भी टाइम टी पे एंगल थीटा था, तो ये होगा वी ए कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस डायरेक्शन में? वी ए कॉस थीटा डी टी जीरो से लेके टी तक। सो वी ए कॉस थीटा डी टी जीरो से लेके टी तक इज इक्वल टू वी बी इंटू टी। वी ए कॉन्स्टेंट है बाहर ले लीजिए, जीरो टू टी कॉस थीटा डी टी इज इक्वल टू वी बी इंटू टी। तो हमारा ये इंटीग्रल जो वेरिएबल था ये सॉल्व हो गया, हमारा वैल्यू आ गया यहाँ पे जो है। पहली इक्वेशन वापस जाइए, ये है माइनस वी, ये है प्लस वी ए इंटू टी माइनस वी बी इंटीग्रल कॉस थीटा डी टी जीरो टू टी। कॉस थीटा डी टी जीरो टू टी की वैल्यू है वी बी अपॉन वी ए इंटू टी, तो ये आया वी ए इंटू टी माइनस वी बी इंटू वी बी अपॉन वी ए इंटू कैपिटल टी, तो हमारा माइनस डी एस का इंटीग्रल है वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर इंटू टी अपॉन वी ए। अब आप देखिए ये डी एस जो वेरी कर रहा है, इनिशियली एन था और फाइनली ज़ीरो है, जो दोनों के बीच में डिस्टेंस था एस जो है, इनिशियली तो एल था, देखिए जो स्टार्टिंग पॉइंट थी दिया हुआ था ना दोनों का एल था, और जब मीट करें तो ज़ीरो है, तो एल से ज़ीरो लेना है, ज़ीरो से एल नहीं लेना है, तो हो गया माइनस ज़ीरो माइनस एल इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर इंटू टी अपॉन वी ए। सो टाइम टी का वैल्यू आया टी इज इक्वल टू एल वी ए अपॉन वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर, ये आंसर है।